गैस, मैं पिछले सात सालों से ब्लॉगिंग की हेल्प से अर्निंग कर रहा हूं और मेरी अर्निंग का मेजोरिटी पोर्शन गूगल एडसेंस से ही आता है और गूगल एडसेंस को यूज करने का एक ही रीजन है कि गूगल एडसेंस सबसे ज्यादा पैसे देता है एज कंपेयर टू अदर एड नेटवर्क और यही सेम रीजन है यार कि बिगिनर्स भी अपनी साइट को चाहे ब्लॉगर पे बनाए या वर्ड प्रेस एडसेंस से ही करना चाहते हैं और एडसेंस का अप्रूवल लेना भी यार बहुत ज्यादा सिंपल है अगर आप सिंपल सी एडसेंस अप्रूवल गाइडलाइंस को फॉलो करो तो डेफिनेटली आपको हंड्रेड परसेंट के साथ एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाता है लेकिन रियालिटी

फॉर्मेट में शेयर करने वाला हूं जिस सेम चेकलिस्ट को यूज करके आपको आपको भी बहुत जल्दी जल्दी का मिलेंगे और जो रिजेक्शन होती है वो भी आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा आप समझ पाओगे कि अगर गूगल कोई चीज आपको बता रहा है कोई एरर बता रहा है तो वो किस तरीके से आप फिक्स कर पाओगे चाहे हम बात करें अपनी साइट नेविगेशन के एरर की या फिर साइट अंडर कंस्ट्रक्शन के एरर की तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी तो इस वीडियो को डेफिनेटली चैनल पर नए कर तो शेयर करने से पहले ब्लॉगर के लिए भी काम कर जाएगी और वर्ड लिए भी, तो भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो सेम चेकलिस्ट को यूज करके आप डेफिनेटली अप्रूवल ले पाओगे तो जो सबसे पहला स्टेप है हमारी चेकलिस्ट का दैट इज यू शुड है टॉप लेवल डोमेन अब टॉप लेवल डोमेन होता क्या जैसे हो गया हमारा डॉट एन डॉट नेट डॉट ऑर्ग डॉट कॉम ये टॉप लेवल डोमेन्स हैं जिन्हें आप किसी भी प्रोवाइडर से बाय कर सकते हो अब लोग यहां पर गलती कर करते थे वो फ्री डोमेन्स की तरफ जाते हैं जो कि सब डोमेन्स होती हैं तो ऐसी जो डोमेन्स होती हैं इन पर एडसेंस का अप्रूवल बहुत मुश्किल से मिलता है रेयरली मिलता है तो वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए इसके बाद जो नेक्स्ट गाइडलाइन आती है दैट इज योर ब्लॉग ब्लॉग आपको अपने को set up करना है चाहे ब्लॉगर हो तो उसके हिसाब से करना है 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 तो उसके हिसाब से करना है। और जब आप सेटअप कर रहे हो तो अगर आप वर्ड प्रेस कर रहे हो तो आपको जो थीम यूज करनी है दैट शुड बी कलर मैग और अगर आप ब्लॉगर को यूज कर रहे हो तो आपको जो थीम यूज करनी है दैट शुड बी नोटेबल इसी के साथ एक और चीज यहां पर बता दूं अगर आप ब्लॉगर को यूज कर रहे हो तो आपके पास एक ड्रॉबैक रहेगा कि आप सिर्फ एक ही एडस अप्रूवल ले पाओगे क्योंकि ब्लॉगर को पता चल जाता है कि आपके पास और

ज़्यादा लोग पूछते हैं कि सर हम इमेजेस को ऐड करें या ना करें तो यार इमेजेस ऐड करना ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हो तो गूगल से डाउनलोड करके मत डालना कर कर चीज ऑप्शनल है मन तो बना लेना और डाल लेना ना मन करे तो आप इसे छोड़ भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अप्रूवल लेने में तो जैसे ही आप यहां तक सारे स्टेप्स कंप्लीट कर ले तो आपकी साइट लेवल के सारे चेंजेस हो जाते हैं आपकी साइट हंड्रेड रेडी है गूगल अप्रूवल के लिए

और इसे जरूर आप कर लेना जैसे ही आप अपनी साइट को सबमिट कर देते हो और ये स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो आपकी साइट रेडी हो जाती है एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करने के लिए और आप डायरेक्टली एडसेंस के अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हो अब एक क्वेश्चन जो यहां पर बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछेंगे वो ये है कि सर मेरी जो साइट है वो एक दिन पुरानी है तो अप्लाई करूं पांच दिन पुरानी है तो अप्लाई करूं या ना करूं तो आपकी साइट जितनी मर्जी पुरानी हो एक दिन पुरानी पर भी मैंने एडसेंस अप्रूवल लिया हुआ है और सालों पुरानी के ऊपर भी मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे ही आपकी साइट मैनुअली इंडेक्स हो जाती है

उसको रीअप्लाई कर देना मैं तो यही करता हूं लेकिन अगर आपको एक सेफर रेंट पे रहना है तो आप एक दो न्यू आर्टिकल्स लिख के उनको एड को अपडेट करके रीअप्लाई कर सकते हो और आपको सेकेंड अप्लाई के अंदर अप्रूवल हंड्रेड एंड वन परसेंट मिल जाएगा यार यही वो कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली यूज करता हूं एडसेंस का अप्रूवल लेने में और सेम स्टेप्स आप भी फॉलो करो जैसे मैंने वीडियो में बताया आपको भी अप्रूवल मिल जाएगा अब इसके बाद आप आगे पीछे की बातों में मत फंसना के यार मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से कर लेता हूं वहां से कर लेता हूं उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है मैंने भी पर्सनली एक टूल बनाया हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स को जनरेट करता है क्लिक्स करो और आर्टिकल बन गया उस आर्टिकल को डालो और अप्रूवल भी मुझे मिला हुआ है अगर आप मेरा वो एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में में डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड डेफिनेटली देख लेना कुछ इंटरेस्टिंग सा है बट वो चीज स्टैंडर्ड नहीं है कल चल रही थी आज चल रही है बट फ्यूचर में नहीं चले कोई पता नहीं बट ये जो रूल्स मैंने आपको बताया ये कल भी चल रहे थे आज भी चल रहे हैं और आने वाले टाइम में भी चलते रहे क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड को अगर आप फॉलो करोगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आई